नमस्कार, मैं डॉक्टर कैप्टन बाबा साहेब माने, अध्यक्ष हिंदी विभाग, श्री शिव छत्रपति महाविद्यालय, जुन्नर, जिला पुणे। आज मैं आपके सम्मुख पहली बार ऑनलाइन तरीके से उपस्थित हो चुका हूँ। इसका कारण यह है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। भारतवर्ष भी इस महामारी से अछूता नहीं रह पाया है। भारतवर्ष में भी यह महामारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। यह महामारी संसर्गजन्य महामारी है और इसीलिए छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तथा उनका शैक्षिक नुकसान न हो, इस दृष्टि से विचार विमर्श करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली तथा सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे की ओर से सभी महाविद्यालयों को छात्रों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए आज मैं आपके सम्मुख ऑनलाइन तरीके से उपस्थित हो चुका हूँ। आज मैं आपको प्रथम वर्ष वाणिज्य के वैकल्पिक हिंदी विषय की जानकारी देने जा रहा हूँ। इस जानकारी को आप ध्यान से सुनिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे की ओर से सन 2019-20 इस शैक्षिक वर्ष से स्नातक स्तर के लिए क्रेडिट पैटर्न की शुरुआत की गई है। इस पैटर्न के अनुसार हर साल दो सेमेस्टर होंगे। उन दोनों सेमेस्टरों की अलग अलग परीक्षाएं आपको देनी अनिवार्य होगी। प्रथम वर्ष वाणिज्य के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वैकल्पिक हिंदी 1A इस प्रकार का विषय होगा और उस विषय का कोड होगा 117C। पैटर्न होगा 2019। प्रथमायन यानी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कुल मिलाकर 100 अंकों की अलग अलग परीक्षाएं होंगी। इन परीक्षाओं का विभाजन भी इस प्रकार से किया गया है। 30 अंकों की जो परीक्षाएं होंगी वह महाविद्यालय के अंतर्गत ली जाएंगी और 17 अंकों की परीक्षाएं जो होंगी वह विश्वविद्यालय की ओर से ली जाएगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर 100 अंकों की अलग अलग परीक्षाएं होंगी। इन सभी परीक्षाओं में छात्रों को उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रथम वर्ष वाणिज्य वैकल्पिक हिंदी के लिए प्रथम आयन और द्वितीय आयन दोनों के लिए एक ही किताब संपादित की गई है। इस किताब का नाम है साहित्य सौरभ। इसका संपादन किया है हिंदी अध्ययन मंडल सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे की ओर से। प्रथम आयन के लिए जो साहित्य सौरभ में पाठ्यक्रम दिया गया है वैकल्पिक हिंदी का, उस पाठ्यक्रम को 3 इकाइयों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। इकाई नंबर 1 काव्य साहित्य को इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर इकाई 1 के अंतर्गत जो काव्य साहित्य शामिल किया गया है उसमें 5 कविताएं दी गई हैं। उनमें से पहली कविता का नाम है स्वदेश के प्रति। ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। दूसरी गज़ल है जिस गज़ल का नाम है हो गई है पीर पर्वत ही पिघलनी चाहिए, और इस गज़ल के गज़लकार हैं दुष्यंत कुमार। तीसरी कविता है पिता के जूते और इसके कवि अशोक वाजपेयी जी हैं। चौथी कविता पेड़ की पुकार नामक है और इसके कवि हैं शंभुनाथ जी हैं। पांचवी कविता उदास तुम नामक कविता है और इसके कवि हैं धर्मवीर भारती। इस प्रकार से काव्य साहित्य के अंतर्गत इकाई 1 में कुल मिलाकर प्रथम आयन के लिए 5 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा कि इकाई 2 में कहानी साहित्य को शामिल किया गया है। कहानी साहित्य के अंतर्गत प्रथम आयन के लिए यानी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कुल मिलाकर 5 कहानियाँ पाठ्यक्रम में रखी गई हैं। इनमें से पहली कहानी का नाम है भोला राम का जीव। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। दूसरी कहानी है उसने कहा था। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तीसरी कहानी व्यथा का सरगम है। इसके लेखक हैं अमृत राय। चौथी कहानी जंगलदार है।
इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। और पांचवी कहानी सबसे कठिन काम, यह मधु कांकरिया जी की कहानी है। इस प्रकार से कुल मिलाकर पांच कहानियां इकाई दो के अंतर्गत प्रथम आयन यानी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। इकाई तीन साहित्योत्तर पाठ्यक्रम की है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत नंबर एक अंक तथा गणितीय चिन्हों का देवनागरी लिपि में लेखन, नंबर दो हिंदी कंप्यूटिंग यूनिकोड की जानकारी, नंबर तीन इंटरनेट की सामान्य जानकारी और नंबर चार हिंदी सॉफ्टवेयर की जानकारी। इस तरह से साहित्योत्तर पाठ्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग विषयों की जानकारी आपके किताब में पाठ्यक्रम प्रथम आयन के लिए दी गई है। इस तरह से कुल मिलाकर प्रथम आयन के लिए वैकल्पिक हिंदी का पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम को आप ध्यान से पढ़िए और सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाइए। धन्यवाद।